2024 लोकसभा चुनाव में मिशन 80 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कुनबे को मजबूत करती हुई नजर आ रही है। इसी कड़ी में आज प्रदेश मुख्यालय में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और अन्य मंत्रियों के नेतृत्व में सैकड़ों नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है। 2024 लोकसभा चुनाव में मिशन 80 को फतह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं। तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय की। लगातार भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग होती जा रही है और शायद यही वजह है कि लगातार जो भाजपा परिवार है वो कुनबा भी बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि भारी संख्या में यहाँ पर अलग अलग दलों के कार्यकर्ता मौजूद हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और अगर मैं बात करूं आज के सदस्यता ग्रहण समारोह की, तो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इन तीनों के ही नेतृत्व में लगातार जो भारतीय जनता पार्टी का कुनबा है वो बढ़ता जा रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भीड़ है। और ये भीड़ इस वजह से है क्योंकि सैकड़ों की संख्या में जो आज कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए भाजपा परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो मिशन 80 के लक्ष्य को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी हों, चाहे मंत्री हों, चाहे कार्यकर्ता हों, लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग हो रही है। ज्वाइनिंग के साथ साथ जो भाजपा की नीतियाँ हैं, भाजपा की रीतियाँ हैं, उनको जन जन तक पहुँचाने के लिए तमाम कार्य योजना भी बनाई जा रही है। उस कार्य योजना का हिस्सा भी लोग बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं और इन 9 सालों की उपलब्धियों को लेकर लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। और कहीं ना कहीं जनता को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पिछले 9 सालों में जो जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं वो कैसे उन तक पहुँची हैं। और उसी को देखते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो अभियान चला रही है। और इन अभियानों का ही असर है कि दिन प्रतिदिन जो भाजपा का कुनबा है वो बढ़ता जा रहा है। फिलहाल देखा जाए तो लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। मिशन 80 के लक्ष्य को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि लगातार जो भारतीय जनता पार्टी का कुनबा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि दिन प्रतिदिन भाजपा में जो है वो अलग अलग दलों के नेता शामिल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो भाजपा की नीतियाँ हैं, रीतियाँ हैं, उनसे प्रभावित होकर जनता के बीच में जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए जी जान से सभी लोग जुटे हुए हैं। सदस्यता ग्रहण समारोह में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि हमारा परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी बड़ी संख्या में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है। भाजपा की नीतियों और रीतियों पर लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है और ये हमारे लिए अच्छा संकेत है। भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 के लक्ष्य को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है। तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूँ। लगातार यहाँ पर जो है वो ज्वाइनिंग चल रही है। सर, लगातार भाजपा का कुनबा बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि बड़ी संख्या में पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, ऐसे सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रति, आदरणीय नरेंद्र मोदी के प्रति, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति और संगठन के प्रति लगातार लोगों की आस्था, विश्वास, प्रेम और जनकल्याणकारी जो सरकार की चल रही है उनके प्रति आस्था बढ़ रही है। मैं स्वागत करता हूँ सभी लोगों का। सर, लगातार जो है देखा जा रहा है कि एनडीए का कुनबा भी बढ़ता जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने जो है वो एनडीए ज्वाइन की है, क्या लगता है सर 2024 कितना आसान हो गया है? अब आप देखिए ना, बिल्कुल 80 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर हम जीत रहे हैं। विपक्ष लगभग समाप्ति की ओर है और उनके पास कोई एजेंडा बचा नहीं है। लगातार हम लोग काम भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास व्यक्त हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बात करेंगे सर। तो लगातार विपक्ष जो है वो सिमटता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। मिशन 80 के लक्ष्य को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है उसी का नजारा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लगातार भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग होती जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी में तमाम लोगों ने ज्वाइन किया है और उनको सदस्यता ग्रहण कराने वाले खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हैं। तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी का कुनबा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के में जो मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल की, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि विपक्ष पूरी तरीके से साफ होता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं आज भाजपा का दामन थामने वाले 2019 लोकसभा चुनाव में हमीरपुर से बसपा सपा गठबंधन के प्रत्याशी दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि बड़ी संख्या में आज इस परिवार में नेता जुड़े हैं। जाहिर सी बात है कि जिन दलों से हम आए हैं उन दलों को नुकसान होगा। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर भगवा लहराना ही हमारा लक्ष्य है। बड़े बड़े नाम आ जुड़े, बिल्कुल होगी भाई, इतने बड़े बड़े लोग जो
शामिल होंगे तो पार्टियों को, जिन पार्टियों से आए हैं उनको नुकसान स्वाभाविक है। जिस तरह से बढ़ा 2024 के पहले भारतीय जनता पार्टी का विपक्षी कहने में ना आर्थिक हलचल, बल्कि जो जातीय समीकरण और सामाजिक समीकरण है उसको भी बीजेपी साथ में नजर आ रहा है। हर तरीके से 2024 में उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी, ऐसा सबको प्रतीत हो रहा है। क्या वजह रही आपने भाजपा ज्वाइन कर ली और दूसरी पार्टी छोड़ कर आ पाए, वजह क्या रही? वजह मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी का जो कार्य और जो भारत का विकास का ढांचा है उसको लेके हम लोग प्रभावित हुए और इसलिए हम लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। वीडियो संवाद के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।